मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सामान्य धन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है उत्कर्ष भजन गोविंद सर। प्यारे से दोस्तों, मैं आप सभी साथियों का बड़ा ही गर्म जोशी से करता हूँ स्वागत। नाम है गोविंद सर। प्यारे साथियों, इस नए फॉर्मेट के द्वारा अर्थात पॉडकास्ट के द्वारा प्यारे से साथियों, प्यारे से मेरी बेटियां, हमारे जो आवाज रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों के लिए आपके सिलेक्शन को कराने के लिए प्यारे से साथियों मैं दृढ़ कटिबद्ध हूँ। इसलिए मैं ये सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, अर्थात इस प्रकार के मैसेज के द्वारा, ऑडियो मैसेज के द्वारा मैं आप लोगों के लिए, प्यारे से दोस्तों, प्यारे से मेरी बेटियां, आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित जो सामान्य ज्ञान की जानकारी है मैं आप तक पहुंचाना प्रारंभ कर रहा हूं। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा प्यारे से साथियों, और यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मैं अपने पहले पॉडकास्ट में मैं उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट्स ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे और अपना हेडफोन का यूज करते हुए आप आसानी से इसको सुनेंगे और आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों, सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अर्थात साथियों चारागाह एवं जो है चारा अनुसंधान संस्थान, जो केंद्रीय स्तर का है, वह कहां पर है यूपी में? प्यारे से साथियों, झांसी में है। कहां पर दोस्तों? हाँ, ये वही झांसी, माने मणिकर्णिका की बात कर रहे हैं, माने रानी लक्ष्मीबाई का जो वास्तविक नाम है मणिकर्णिका था। ठीक बात, बढ़ते हैं आगे। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्यारे से साथियों, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हम लोग कहते हैं CMRI, माने दोस्तों सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान के रूप में दोस्तों उसको जानते हैं। और जब आम की बात होती है तो कहां पर है प्यारे दोस्तों? लखनऊ में है। और बात लखनऊ की आ गई है तो पर्टिकुलर जो एरिया है वह मलिहाबाद है। मलिहाबाद आमों के उत्पादन के लिए जाना जाता है दोस्तों। और बात आ गई है आम के, तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है दोस्तों क्या है? वह आम है, मैंगो है। और अपनी कहावत भी बड़ी प्रचलित है कि आम के आम, गुठलियों के दाम, ये आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं, इंडियन पल्सिस रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों बात पल्सिस की हो रही है, पल्सिस की मतलब होता है दालें, अर्थात दलहन कहते हैं, माने भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है प्यारे साथियों? कानपुर में है। कहाँ पर दोस्तों? कानपुर में है, माने कानपुर का एक एरिया है कल्याणपुर, वहां पर ये जो है भारतीय, अखिल भारतीय स्तर का दलहन माने दाल अनुसंधान संस्थान के रूप में है दोस्तों, याद करेंगे इसको। अगली बात दोस्तों है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, अर्थात दोस्तों भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है, अर्थात साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहां पर है दोस्तों? वाराणसी में है। ध्यान रखेंगे जखनी एरिया पड़ता है कहां पर? वाराणसी में। यहां बेटे, हां साथियों वही बात आप सही समझ रहे हैं, बात वाराणसी की कर रहे हैं, जिसे काशी के रूप में जानते हैं। बनारस दोस्तों आपने नाम सुना ही होगा। बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ूं इससे पहले जानकारी देता हूँ, बात आ गई है साग सब्जी की प्यारे साथियों। तो जो है मैं आपको बता दूं, सब्जी का उत्पादन विज्ञान की किस शाखा में, अर्थात ओलेरी कल्चर में उसका अध्ययन करते हैं? कहां पर? ओलेरी कल्चर में। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, बहुत आनंद आने वाला है आपको। और दोस्तों इस पॉडकास्ट को जहां भी आप सुन रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पेज हो या फिर उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल हो या फिर टेलीग्राम पे, प्लीज भैया इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार एक फेसबुक पेज बनाया है प्यारे से साथियों, इसका नाम है उत्कर्ष विजन, जो सीधे तौर पे सामान्य अध्ययन को आसान बनाने की दिशा में किया गया महत्वपूर्ण प्रयास है। प्यारे से दोस्तों इसको फॉलो कर लीजिएगा, जिससे सामान्य अध्ययन की बहुत सारी जानकारी आप तक बड़े ही आसानी से प्यारे से भैया पहुंचने लगेगी। बढ़ते हैं आगे, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, प्यारे से दोस्तों ये लखनऊ में है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये मैंने संस्थान की जानकारी दी है। अगली बात मैं आपको बताऊं तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अर्थात भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान प्यारे से साथियों, इज्जत नगर बरेली में है। कहां पर? इज्जत नगर बरेली में है, बिल्कुल सही बात है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी अर्थात भारतीय जो है शुगर तकनीकी संस्थान दोस्तों कहाँ पड़ता है, कानपुर में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। और हाँ दोस्तों, ये वही कानपुर है जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और प्यारे से साथियों, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं, क्या बात है, कानपुर को ही कहते हैं। पेरिस दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बोर नहीं होंगे, ठीक है ना, और सिलेक्शन के लिए तैयार रहिए, उत्कर्ष विजन आपके साथ खड़ा हुआ है। अगली बात, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट माने भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पेरिस साथियों लखनऊ में है। कहाँ लखनऊ दोस्तों? हाँ जी, वही लखनऊ जिसे नवाबों के शहर के रूप में जानते हैं, अर्थात यूपी की राजधानी। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी दोस्तों सीतापुर में है। और बात आ गई है ऑप्थेल्मोलॉजी की, तो दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजी का जो संबंध है वो स्टडी ऑफ आईज के होती है, आंखों के अध्ययन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अगली बात साथियों, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है दोस्तों? ये भी लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में है प्यारे साथियों, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहीं पे मैं दोस्तों आपको बता दूं, मैंने उत्कर्ष विजन के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके करंट अफेयर की और जीके की मैं डालता रहता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे उत्कर्ष विजन टाइप करके फॉलो कर लेंगे। इस ऑडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, प्लीज फॉलो करिएगा। बढ़ते हैं अगली बात पे दोस्तों, CDRI अर्थात सी फॉर सेंट्रल, डी फॉर ड्रग, आर फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट माने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट पेरिस दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर है? वह लखनऊ में है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात लखनऊ की आ गई है, तो दोस्तों लखनऊ जो है वह गोमती नदी के किनारे है। आई रिपीट दोस्तों, ध्यान गलत नहीं करेंगे, जौनपुर और लखनऊ जो है वह कहां पर? गोमती नदी के किनारे है। बढ़ते हैं अगली बात पे, सेंट्रल लेप्रोसी रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों, सेंट्रल माने केंद्रीय, लेप्रोसी माने कुष्ठ बीमारी दोस्तों, ध्यान हो रही होगी, आपने याद किया होगा कि जो है आपका लेप्रोसी कुष्ठ होता है, त्वचा संबंधी बीमारी पेरिस दोस्तों, तो केंद्रीय कुष्ठ अनुसंधान संस्थान जो है वह जालमा आगरा में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? ताजमहल के निकट ये संस्थान है, केंद्रीय स्तर का संस्थान है, कहाँ पर? आगरा में दोस्तों, गलत नहीं करेंगे, अपने ब्रेन को शार्प, जब मेरी आप आवाज सुन रहे हो तो कोई भी दिमाग में हलचल नहीं होनी चाहिए, आपको पूरा फोकस मेरी ऑडियो पे रखना है, विश्वास मानिए हर हाल में सिलेक्शन होगा, चिंता नहीं करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो है 31 जनवरी को, ठीक है ना, मनाया जाता है केंद्रीय कुष्ठ निवारण दिवस, ध्यान रखेंगे। और बात आ गई है कुष्ठ की प्यारे से साथियों, तो कुष्ठ का जो इलाज है, कुष्ठ माने जो त्वचा संबंधी बीमारी है, ठीक है ना, इसके इलाज पद्धति का नाम है MDT। आई रिपीट, क्या होता है? MDT माने मल्टी ड्रग थेरेपी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, आप देख पा रहे होंगे, आप सुन पा रहे होंगे कि दोस्तों इस प्रकार के ऑडियो मैसेज के द्वारा मैं आपको अतिरिक्त जानकारी भी उपलब्ध करा रहा हूं, जो सीधे तौर पे आपके ज्ञान को बेहतर करने से संबंधित है, निराश नहीं होंगे। अगली बात, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट पेरिस साथियों केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान पेरिस साथियों कहां पर है? लखनऊ में है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगली बात साथियों, मैं आपको डिस्कस कर दूं कि जो है पशु जैविक औषधि संस्थान माने पशु जैविक औषधि संस्थान कहां पर है? लखनऊ में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, लखनऊ, हाँ हाँ वही लखनऊ जो अभी मैंने आपको बताया था। टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर कहां स्थित है दोस्तों? आगरा में पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ठीक है ना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट माने मांस के लिए बात कर रहे हैं, माने राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान जो है वह इज्जत नगर बरेली में है, गलत नहीं करेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगली बात पे, केंद्रीय अंतर स्थलीय
मात्स्यिकी माने मछली के लिए अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है दोस्तों? इलाहाबाद में है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दोस्तों नेशनल माने राष्ट्रीय, बॉटनिकल का मतलब है वानस्पतिक माने वनस्पतियों के अध्ययन के लिए बात कर रहे हैं, वानस्पतिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कहते हैं NBRI दोस्तों, NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों लखनऊ में है, ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं, नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है दोस्तों? ये भी लखनऊ में है, ये जानकारी को आप अच्छे से याद करिएगा। तो दोस्तों ये था मेरा पहला पॉडकास्ट, मेरा पहला ऑडियो मैसेज जो मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है। तो साथियों बहुत मन से पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, निराश नहीं होंगे। मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट में किसी विशेष प्रकार की जानकारी, माने ये जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थान हैं उसका पहला पार्ट मैंने दिया है, मैं जल्दी लेके आऊँगा पार्ट टू। तब तक उत्कर्ष बिंदन यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और अपने कमेंट जरूर करिएगा कि मेरा प्रयास आपको कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद।